So I am ready for my award show. So चलो guys, किसी का इंतजार था. I hope सब अच्छे से जाए और we'll see you at the venue. Bye bye. Anthony and brothers. Shri Dr. Ganesh Dubey ji. हमेशा चाहता था कि ऐसा कुछ फंक्शन करें रेडियो, क्योंकि रेडियो का आई थिंक सेकंड ऐसा अवार्ड फंक्शन है जो हो रहा है. एक रेडियो मिर्ची होता है मेरे ख्याल से सेकंड वन. So we said fine, ठीक है दिलीप, let's make it happen. फिर कोरोना आपको ने कहा गीत संगीत और रेडियो नाटक की परंपरा शुरू. ये आकाशवाणी है. अब आप हरी साधु से समाचार सुनिए. जी मेरे सुशील चावेरी, अमीन सयानी, बलदेव सिंह जैसे दिग्गजों ने रेडियो को एक नई ऊंचाई दी. सरदार के साथी के आखिरी प्रोग्राम में आप सबसे मिलने आए हैं वो तनकमीज जादूगर जिनकी आवाज आज हर संगीत प्रेमी के सीने में दिल बनकर धड़कती है. खुश हो रही है.
I'm still a part of it, so I'm very happy. Before we do the honors, ये जो आवाज के जादूगर हमारे साथ खड़े हैं, अगर हम इन्हें ना सुने तो कुछ अलोरा सा रह जाएगा. So I would start with Mr. Anurag. कुछ अपनी आवाज का जादू आज बिखेर दीजिए. अपनी आवाज का जादू क्या बोलो. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे. चल रहा है किशोर पांडे. थैंक यू. आवाज को और ज्यादा पहचान देने के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया. थैंक यू सो मच दिलीप. इट मींस द वर्ल्ड टू अस दैट हम तो ये करते रहते हैं लेकिन हम दूसरों को हमेशा ये सम्मान देते हैं. लेकिन जब कोई मुड़ करके हमें बोलता है कि नहीं, यू ऑल्सो डिजर्व दैट रिकग्निशन, इट जस्ट यू नो मीन्स सो मच मोर टू अस. इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ यू एंड योर एफर्ट्स. मैं लेकिन एक ही चीज कहूंगी कि यू नो डूइंग व्हाट यू लाइक इज फ्रीडम, बट लाइकिंग व्हाट यू डू इज हैप्पीनेस. एंड वी आर ऑल अ बंच ऑफ हैप्पी पीपल हियर बिकॉज वी डू व्हाट वी लव. सो यू ऑल्सो प्लीज डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू एंड यू विल रीच वेयर यू वांट टू रीच. एंड थैंक यू सो मच. रेडियो जॉक इज गुड मॉर्निंग मुंबई. ऐसे नहीं बात करते. हम मैं शादी में जाती हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा रेडियो चौकी हो, बात करके दिखाओ. कैसे दिखाते हैं तुम सीओ. मैंने बोला क्या पीएनएल अकाउंट बना के दिखाओ. हाँ तो गई. सो दिस इज हाउ वी टॉक, दिस इज हाउ वी आर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर. थैंक यू. यू नो रेडियो इज सो मच क्लोज टू माई हार्ट. मेरे पूरे खानदान में कोई रेडियो इंडस्ट्री से या मीडिया इंडस्ट्री से नहीं था. आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल्स एंड टेक्नोक्रेट्स. लेकिन जब उनको पता चला, आधे लोग तो घश खा के गिर गए, क्या कर रही है. ओके सो दैट वाज वन. अच्छा रेडियो पे बोलती है, देन मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है. आई एम श्योर बीइंग अ रेडियो जॉकी, मैं तो एक बार बैंक में गई थी, बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि बोल के दिखाओ. सो अब हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमारे अंदर से निकलता है कि ठीक है यार, ओके फाइन. खाली पीली अपने कोई सब काई को सुना रहे लगे. है ना वो होता है. एंड ड्यूरिंग आई मीन लॉकडाउन निवेदिता जी आके बैठे हुए हैं और एक क्लब हाउस में आती थी तो काफी लोग आया करते थे, आर्टिस्ट होते थे, बहुत से लोग आते थे. थैंक यू सो मच फॉर फेलिसिटेटिंग अस. और मैं ये बोलूंगी हाँ, मैं आप सब शायद मेरे सीनियर थे, मैं अभी अभी और जो मैम बता रही थी गाइज, ये मेरी लाइफ का ट्रू इंसिडेंस है कि मुझे जस्ट मैं शो कर रही थी और 10 मिनट्स पहले मेरे घर से कॉल आता है तो कोई एक्सपायर हो गया और सडन वो मेरे फादर ही थे और मुझे शो करना था. एंड आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग एंड फेडर ऑफ भी नहीं कर सकते हम लोग, आप जानते होंगे. और उस टाइम पे आपको शो करना है और उस टाइम पे मुझे याद आया द शो मस्ट गो ऑन. सो वो डे मुझे लगा मेरी लाइफ का जो था ना कि हाँ बॉस तूने रेडियो चुना है, यू हैव टू बी कंट्रोल योर इमोशंस फर्स्ट एंड देन आप सबके सामने यार दिल टूटा हो ना, बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके आए हो ना, यो हनी सिंह के गाने बजा रहे हैं यार. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी आई थिंक सो. एंड थैंक्स एंड रेखा मैम थैंक यू सो मच. विवेक आजकल बहुत सारा कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं. थैंक यू सो मच दिलीप. और कृष्णा सर भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे चैनल है. और राजीव रंजन सर हमारे पॉलिटिकल एडिटर साहब भी मौजूद हैं. मैं अगर आप इजाजत दें तो कृष्णा सर को बुला दूँगा. आप दोनों प्लीज, क्योंकि आपके कृपा से ही हम आज जो कुछ भी हैं. ब्यूटीफुल एक्ट्रेस फ्लोरा राइटर विद अस सुजीत जी, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज फॉर द फेलिसिटेशन. एंड ऑल्सो कैन वी हैव मिसेस दिलीप सिंह, शी इज हियर. कैन वी क्विकली हैव यू ऑन स्टेज सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग.
वेदिका जी प्लीज कम दिस वे। और ये जो आप लोग इतनी पेशेंटली और खूबसूरती से बैठे, पर जैसे कि वैसे मुझे पता है हम सबको अपना जो मूवमेंट होता है वो स्पेशल होता है, पर इसी तरह हम दूसरों की खुशियों में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। रखना है मेरा कैमरामैन परमानेंट कैमरा नहीं ना क्या।